और रायबरेली में हुए जहरीली शराब कांड को लेकर आबकारी मंत्री राम नरेश अग्निहोत्री का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि पिछली सरकारों में हुए हमलावर के मुकाबले इस सरकार में काफी लगाम लगाने का कार्य किया गया है, राजस्व भी दो गुना हो गया है। रायबरेली की घटना पर दोषियों पर कार्रवाई की जा रही है, जो भी दोषी निकाल कर बाहर आएंगे वो बख्शे नहीं जाएंगे। कंट्रोल हुई है, लेकिन पिछली सरकारों का जो बिगड़ा हुआ हाल था उस पर लगाम लगाया गया है और बहुत रोक लगी है। उसका परिणाम भी ये निकला है कि जो 2017 में जो राजस्व था 14,270 करोड़ रुपया, आज हम पहुंच गए हैं लगभग 30,000 करोड़ के आसपास, दोगुने के आसपास। तो अब इस पे जो मतलब है कि जहरीली शराब पे, बाहर की शराब पे ये रोक लगाई। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एनी अपडेट। डाउनलोड द जनतंत्र टीवी ऐप अवेलेबल ऑन गूगल प्ले एंड ऐप स्टोर। डाउनलोड इट नाउ।